गुजरात चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। बीजेपी ने न सिर्फ पंपर जीत दर्ज की है बल्कि अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 150 से ज्यादा सीटें हासिल की। ये गुजरात विधानसभा चुनाव के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले कांग्रेस ने 1985 में 149 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। चुनाव से पहले और कार्यकाल के आखिरी 1 से 1.5 साल के दौरान बीजेपी ने न सिर्फ गुजरात कैबिनेट में बड़ा फेरबदल किया बल्कि 2 बार मुख्यमंत्री भी बदल डाले और आखिरी दांव भूपेंद्र पटेल के चेहरे पर खेला और पटेल के ही चेहरे को आगे रखकर ये चुनाव लड़ा गया। नतीजे आए और ऐसे आए कि सारे आंकड़े ध्वस्त हो गए। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने घाट लोडिया के शहरी निर्वाचन क्षेत्र से लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की है। यहां कांग्रेस के प्रत्याशी अमी याग्निक को हार का सामना करना पड़ा। अब खबर है कि 11 और 12 दिसंबर को भूपेंद्र पटेल दोबारा सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। इस दौरान शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी और अमित शाह समेत भाजपा शासित राज्य के सभी सीएम शामिल हो सकते हैं। गुजरात बीजेपी के मुख्यालय कमलम में जब केंद्रीय नेतृत्व ने नए मुख्यमंत्री के तौर पर भूपेंद्र पटेल के नाम की घोषणा की थी तो नरेंद्र मोदी की कार्यशैली को जानने वाले लोगों के लिए भी ये नाम अचरज में डालने वाला था। नरेंद्र मोदी ने अपनी कार्यशैली के मुताबिक ही उस आदमी को गुजरात की कमान सौंप दी थी जिसके नाम का अनुमान कोई नहीं लगा पाया और गुजरात से बाहर की दुनिया ने उनके बारे में पहले कभी नहीं सुना था। एक तरह से वो गुजरात के वो भरत बन गए जिसे खड़ाऊ खुद श्री राम ने सौंपा, जिसके बाद कोई इफ बट की गुंजाइश ही नहीं रह गई। भूपेंद्र पटेल की एक खासियत ये भी है कि वो बेहद लो प्रोफाइल वाली शख्सियत रहे हैं और उनमें किसी तरह का कोई एरोगेंस भी नहीं रहा है। मोदी हर चुनाव में भूपेंद्र को नरेंद्र से ज्यादा बड़ी जीत दिलाने की बात कहते नजर आए। पटेल का राजनीतिक करियर लगभग 23 साल का रहा है। 1999 से 2000 और 2004 से 2005 तक वो मेमनगर नगरपालिका के अध्यक्ष थे। 2010 से 2015 तक अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रहे। 2015 से 2017 के दौरान अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन थे। इसके बाद भूपेंद्र पटेल के राजनीतिक जीवन में ट्विस्ट आया। गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री रही आनंदीबेन पटेल ने 2017 में विधानसभा चुनाव लड़ने से मना कर दिया। आनंदीबेन की सिफारिश पर ही घाट लोडिया से भूपेंद्र पटेल को टिकट दिया गया। 2017 में वो घाट लोडिया सीट से विधायक बने। भूपेंद्र पटेल ने कांग्रेस के शशिकांत पटेल को रिकॉर्ड 1,17,000 मतों से हराया। 13 सितंबर 2021 को भूपेंद्र पटेल गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री बने। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, जिन्हें उनके समर्थक दादा के नाम से पुकारते हैं, कहा जाता है कि जब वो किसी से मिलते हैं तो उनके चेहरे पर मुस्कान हमेशा रहती है। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतों से जीतकर भूपेंद्र पटेल पहली बार विधायक बने थे। 2021 में विजय रूपाणी के इस्तीफे के बाद आश्चर्यजनक तौर पर राज्य की कमान सौंपी गई। 15 जुलाई 1962 को अहमदाबाद में जन्मे भूपेंद्र, रजनीकांत पटेल एक गुजराती पाटीदार परिवार से ताल्लुक रखते हैं। भूपेंद्र पटेल ने 1982 में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अहमदाबाद से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया था और पेशे से बिल्डर रहे हैं। लंबे समय से पटेल का जुड़ाव संघ से रहा है। वो मोदी, शाह और आनंदीबेन के नजदीकी माने जाते हैं। इस खबर से जुड़ी और ज्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए।